नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। भारत में कोरोना के मामले अब 9 लाख से ज्यादा हो गए, बल्कि अब कुछ ऐसे राज्य जहां पे कोरोना के मामले कम थे वहां भी ज्यादा से ज्यादा मामले आने लगे हैं हर दिन। और बल्कि बिहार जैसे राज्यों में तो 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाना पड़ा है। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत में मरीजों की रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है। अगर दूसरे देशों से तो हम तुलना करें तो भारत में यह रिकवरी रेट लगभग 63% के आसपास है, यानी कि जो मरीज संक्रमित हो रहे हैं वो जल्द ही स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट रहे हैं या वो होम क्वारंटीन में ही ठीक हो जा रहे हैं। अभी भी देश की जो कुल संख्या है पॉजिटिव केसेस की, उसका 86% केवल 10 राज्यों तक ही सीमित है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक बार जब विमर्श होता है तो ये सुनने को मिलता है कि बहुत तेजी से केस बढ़ रहे हैं, देश भर में केस बढ़ रहे हैं, तो उसको भी एक परिपेक्ष्य में लाने के लिए, एक पर्सपेक्टिव में लाने के लिए ये जरूरी है कि हम इस पर ध्यान दें कि 10 राज्य ऐसे हैं देश के जो कि 86% एक्टिव केसेस जहां हो रहे हैं, और इनमें भी 2 राज्य ऐसे हैं जहां 50% केसेस हो रहे हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और 36% जो केसेस हैं वो 8 राज्यों में हो रहे हैं जो मैंने आपको इसमें दर्शाया है। 20 राज्य ऐसे हैं आज भी जिनका रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। उसकी ओर अब हम आपको ले जाते हैं। ये देखिए, ये इसमें हम दिखा रहे हैं कि भारत का, देश का जो औसत रिकवरी रेट है वो 63% है, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जहां ये 87% भी है, 80% भी है, 71% भी है। अनेक राज्य हमने इसमें नहीं दिखाए हैं, उनका भी रिकवरी रेट राष्ट्र के, देश के रिकवरी रेट से अधिक है। उदाहरण के लिए इस टेबल में हमने आपको केवल वो राज्य दिखाए हैं जहां 71% या उससे अधिक रिकवरी रेट है। अगर आप 65% और 71% के बीच के रिकवरी रेट वाले राज्यों की बात करें, क्योंकि देश का औसत रिकवरी रेट तो 63% है, उससे ज़्यादा। स्टेट्स दैट हैव रजिस्टर्ड 65-70% रिकवरी रेट, दे आर यूपी विद अ रिकवरी रेट ऑफ 64, उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 64 है, उड़ीसा में रिकवरी रेट 67 है, 67, आसाम में रिकवरी रेट 65 है, गुजरात में रिकवरी रेट 70% है, और तमिलनाडु में रिकवरी रेट 65%।